दिस इज इनसीन। क्या तुमने कभी किसी को मिड सीजन इतने बड़े प्लेयर को जिसने दो ट्रेबल उखाड़ रखे हैं, दो ट्रेबल्स, इज इट, आर यू किडिंग मी, दो ट्रेबल्स, लॉन्डे के पास दो ट्रेबल्स हैं, लॉन्डे ने यूरो जीत रखे हैं, वर्ल्ड कप जीत रखा, वो सब बकचोदी, सब कुछ उखाड़ रखा, सब कुछ खत्म कर रखा है, बट उस प्लेयर ने मिड सीजन में एक ऐसे क्लब को जो अब यूरोपा लीग खेलेगा, एक ऐसे क्लब को एक गंदी सिचुएशन में आके टेक्निकली छोड़ा जा रहा है, ये काफी नैरेटिव बन रहा है। अब काफी लॉन्डे बोल रहे हैं कि हाँ बट वो पैसे अपनी वेजेस छोड़ के जा रहा है, 30 मिलियन, वो सारे पैसे नहीं खाएगा, वो बार्सा की हेल्प कर रहा है, वो ट्रू है, बट अल्टीमेटली वो एक डिफेंडर जो कम हो जाएगा। आई नो जावी मार्कोस अलोंसो को, बेंचो, इन सब लॉन्डे को ज्यादा प्रेफर करते हैं पीके से आजकल, जो फेयर भी है, स्पेशली आफ्टर इंटर वाला डिबेकल, वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस यू कैन सी मे बी इस ईयर में, कोई चिंता वाली बात नहीं है जो पीके ने करी थी। पीके रिटायर कर रहा है मिड सीजन, इट्स अंडरस्टैंडेबल, हर किसी को पता है उसका स्टार्ट अच्छा नहीं था, वक्का वक्का उसका हो गया था, तुमको पता है, शकीरा वाला बच्चों तुमको पता है, एंड जिगावे की मम्मी पता नहीं क्या हो रहा था, वो तो पता नहीं था क्या, पता नहीं किसने बनाया था वो, बट लॉन्डे उसके पीछे पड़ गए थे। पीके की पता है इमेज कैसी है, पता है पीके की इमेज कैसी, पीके बेसिकली हर कोई बोलता है स्पेनिश टीम में एक प्रैंकस्टर है, वो प्रैंक करता है, उसने पत्नी प्लेन में एक आग लगाई थी एक बार, मतलब कोई बम फोड़ दिया पत्नी, क्या एक जोक सॉर्ट ऑफ, बहुत प्रैंक करता है बेसिकली, थोड़ा ऐसा लॉन्डे पीके, तो काफी मजे लेता है मौज, तो लाइक जब पापाराज़ी उसके मजे लेते हैं, जब लोग उसके मजे लेते हैं तो उसको वो पसंद नहीं करती, और लोगों ने उसके बहुत मजे लिए, एंड ये अंडरस्टैंडेबल की वजह से छोड़ रहा है, बट इज इट राइट, क्या ये मॉरली राइट है कि पीके बार्सा छोड़ रहा है मिड सीजन, दैट्स इनसेन भाई। लॉन्डे का इतना बड़ा करियर 35 साल की उम्र, आई नो, बट स्टिल लॉन्डे अभी भी बहुत खेल रहे हैं 35 साल से ऊपर के, क्या वो छोड़ रहा है, वो गलत बात है, मेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये, आई थिंक सो गलत नहीं है, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। आई नो जब 2020 में उसको जो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 4 साल का, 2020 में पीके ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 4 साल का अंडर बर्टमे ऑब्वियसली, जिसका 500 मिलियन रिलीज क्लॉज था, 500 मिलियन, फीस ब्लोटेड, पता नहीं 150 मिलियन, पता नहीं कितने, हर साल वो 30 मिलियन 40 मिलियन बार्सा को कॉस्ट करता है, पीके इतने पैसे कॉस्ट कर रहा था डिस्पाइट ऑफ ऐसी परफॉर्मेंसेस। तो काफी लोग ये बोल रहे कि यार अच्छी बात है, पीके अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, ही इज बाइंग आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट, वो सब बकचोदी, तो बार्सा उसको 30 मिलियन नहीं देगी, तो बार्सा को पैसे बचा रहा है, तो बार्सा कैन बाय समबडी एल्स, इनिगो मार्टिनेज़ या जो भी बकचोदी है, विच इज फेयर, अंडरस्टैंडेबल है, बट मेरा पॉइंट ये है, एंड ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये भी एक अलग पहलू है, इज इट नाइस फॉर एक हीरो, एक आइडल पीके, लाइक कैटलन में सबसे बड़ी फिगर पीके है भाई, लाइक कम ऑन, पॉलिटिकल उसकी वॉइस इतनी इंपॉर्टेंट है, वो कैटलन टीम से खेल चुका है, कैटलोनिया रेफरेंडम में उसकी बहुत बड़ी वॉइस थी, वो सब बकचोदी, काफी पॉलिटिकल लॉन्डा, पीके बहुत वर्सेटाइल लॉन्डा है बहनचोद, पीके को फुटबॉल लड़नी चाहिए, वो एक फुटबॉल क्लब ओन करता है, उसको नीड नहीं है एमएलएस खेलने की, उसको कोई नीड नहीं है पैसे की, उसने खुद एक कंपनी खोल रखी जो डेविस कप जो टेनिस में उसमें इन्वेस्ट करती है, उसकी कंपनी पता नहीं क्या क्या करती है, ई स्पोर्ट्स टीम बाय कर रखी भड़वे ने, वो बल्ले नहीं रखती, उसने पता क्या करता, जो बार्टिमे का रेन था 2000 जब भी 20 में, उसने लिटरली बार्टिमे को हेल्प करी थी स्पॉन्सर्स दिलाने के लिए अपने कनेक्शन के थ्रू, तो दैट गाय विल बी अ प्रेसिडेंट बार्सा का, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पीके इज एल प्रेसिडेंट, ये तो बकचोदी डन है, चाहे कितना ही गंदा एंड हुआ बार्सा के बकचोदी में, आई नो, बट ही विल बी एल प्रेसिडेंट, दैट ये तो डन है, लॉन्डा वर्सेटाइल बिजनेसमैन है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता, पता है उसका उसका बाप बिजनेसमैन था, उसकी मम्मी कती डॉक्टर थी, पता नहीं क्या बकचोदी, वो अमीर लॉन्डा है, वो कैटलोनियन कती शाही खानदान से है वो, तो उसका तो लंड फर्क नहीं पड़ता, वो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड गया था लाइक जब वहां पे रहने के लिए, रहने गया था, मैं जो खेला ही कितना जो भी है, बट चैंपियनशिप जीत के आ गया था अपेरेंटली, जिसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था नहीं, बट जो भी बकचोदी है, वो कह रहा था कि मैं होमसिक करूं, मुझे घर जाना है, वो कति नवाबों वाले खेलते थे उसके, उसे कुछ चाहिए, उसे ना चाहिए था कि प्रॉपर, उसने बोला कि जो अपने उसने खुद बोला अपने लाइक जो उसकी बकचोदी थी अभी उसने डाली कि आई रिटायर, वो सब बकचोदी, उसमें उसने बोला कि आई डिडंट वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल फुटबॉलर, आई वांट टू बिकम ए बार्सा का प्लेयर, विच इज फेयर भाई, लॉन्डा बार्सा थ्रू एंड थ्रू है, एज अ मैड्रिड फैन आई हेटेड हिम, लाइक हेटेड इन भाई, वो हरामी था, समझ रहे हो, जब भी रेफरी पे बिल्कुल चढ़ जाना, गंदी गंदी हरकतें करना, स्माइल्स, वो सिमेंटिक्स, वो गंदी गंदी, समझ रहे हो, गलीच हरकतें, गंदे सेलिब्रेशंस, नेट काटना गोल मारने के लाइक जीतने के बाद टूर्नामेंट्स, लॉन्डा हरामी था, एंड लॉन्डा फुटबॉलिंग भी, मैंने क्वेश्चंस पूछे भी काफी तुमसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि क्या लाइक कैसा था लाइक पीके एज अ फुटबॉलर, मैं खुद काफी इंट्रीग हूं कि पीके था कैसे फुटबॉलर, राइट, पीके एक ऐसा फुटबॉलर जिस फुटबॉलर इसको डिफाइन करने की नीड नहीं, हम हिज वन टू ट्रेबल्स ऑब्वियसली, हिज वन एक यूरोस, एंड 2012 के यूरोस में अलोंग साइड रामोस एंड पीके दे हैड 5 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स, दैट सेज अ लॉट, समझ रहे हो,
they only conceded one goal for a tournament, if I'm not wrong. 6 games, they conceded only one goal. Euro 2012. Crazy. I think Spain went 29 games unbeaten with PK, Puyol, Ramos, वो सब बकचोदी. तो भाई ये तो you can't define that. You know PK जब इतना कोई जीत सकता तो it's not कि कोई फुगेजी है. उसने deserve करा obviously भाई. जो कतर डिफेंडर. एक चीज मैं काफी देख रहा था, कल मैं काफी पढ़ा था regarding PK, like जो भी बार्सा है. PK यूथ टीम में होल्डिंग मिडफील्डर था भाई. जो ठीक है होल्डिंग मिडफील्डर. तो ड्रॉप करा. जब भी कोई प्लेयर बहुत हाई पोजिशन से like for example ट्रेंट मिडफील्डर से फुलबैक बन गया. जब भी ऐसे कुछ बकचोदी ना they really master their position. I know Lonte bolenge Trent acha nahi hai, but not defensively. But Barca kya achhi tha? Barca ko jo verticality PK ne di, especially 2000, jab 2008 mein PK Barca aaya United se, agle 2 saal mein wo Barca captain ban gaya. Wo 2008 season mein they won the treble obviously 2008-9. Ek game thi like Barca defeated Madrid 6-2 bhai, so pata nahi kyun. Ha obviously us game mein PK scored a goal, celebration jo usne kaha tha kati. उस सीजन हर कोई बहुत भौंकने लगे कि पीके लिटरी, क्योंकि पीके उस टीम में लाइक वो तब भी टीम थोड़ी लंबी थी, उसमें एटो था, ऑनरी थे, सब लॉन्डे थे. बट जैसे बार्सा ग्रो करी थी, जब बार्सा 2010-11 तो बार्सा कंपैरेटिवली बहुत छोटी थी हाइट में. पीके वाज द ओनली वन जो हाई हाइट देता था सेट पीस में. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट लोंडा कभी भी लाइक पीके वाज नेवर एक हार्ड टैकलर, बहुत ही अराउखो टाइप फिगर जो कति यापस्टम भैंचो समझ रहे हो विडिच टाइप, वो नहीं. ऑलवेज एक स्मार्ट गाय. पता उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्डे बोलने की काम लाइक गेम अवेयरनेस पोजिशनल वो सब ट्रू है ऑब्वियसली. उसकी लाइक ही यूज टू ब्रिंग वर्टिकैलिटी एंड एरियल प्रोवेस, ये बकचोदी मेन थी. दैट गाय वाज टू कंफर्टेबल ऑन द बॉल, लाइक अपने टाइम पे ही वाज वेरी कंफर्टेबल. एंड वो कभी जंप नहीं करता था, लाइक ही वाज ऑल पीके. पता कुछ कुछ डिफेंडर ऐसे होते हैं जो जोन डिफेंड करते हैं, बट कुछ कुछ डिफेंडर होते हैं जो कुछ कुछ डिफेंडर जो मार्क करते हैं किसी को. पीके वॉज एक जोन डिफेंडर थ्रू एंड थ्रू. तुम उसको जोन डिफेंड कराओगे एक जोनल मैनेजर के अंडर, वो बुंड फाड़ देगा. क्योंकि उसको पता से कम्युनिकेशन टॉप नॉच है. पीके का कम्युनिकेशन 2008 सीजन में सरप्राइज पुयोल कि ये इतना कम्युनिकेटिव कैसे भेजो. मैं तो खुद मैं इतना बड़ा ये कैसे भौंक रहा है, इतना यंग 20-22 साल का लौंडा इतना कैसे भौंक रहा है. तो पीके काफी उस चीज में एक्टिव था, हर किसी को पता है. कम्युनिकेटर खतरनाक, बहुत ही स्मार्ट लौंडा भड़वा, लाइक इन टर्म्स ऑफ रेफरी को समझाना, वो सब स्मार्ट प्लेयर, एक कनिंग प्लेयर, एक स्मार्ट कनिंग प्लेयर, एक स्मार्ट प्लेयर. वेल इट्स लेजिट, लाइक यू नीड टू बी, तुम कभी कभी एनवी करते हो कि ब्रांड के लॉन्डे, समझ रहे हो. आई नो लेटर पार्ट में हम उसकी, आई नो लॉन्डे बोल रहे हैं कि भाई तू अभी किस प्रेस यू कर रहे इसकी, बट मैं लुक बैक कर रहा हूं, समझ रहे हो. मैंने उसको काफी देखा हुआ है एंड मैं काफी देखा हुआ कि इसने मुझे पसंद नहीं है. 2015 में मुझे याद है लुइस एनरिके, ही हेटेड पीके. लुइस एनरिके हेटेड पीके क्योंकि पीके बहुत पार्टी करता था. पता पीके की बहुत वक्त को पता, पेप गुआर्डियोला ने बेसिकली पीके के ऊपर, पीके के लिए एक एजेंसी हायर करी था कि वो उसको लाइक पेप गुआर्डियोला बेसिकली हायर्ड एक एजेंसी जो पीके पे स्पाई करे, जो नाइट लाइफ करता था. यानी कि पीके खुद अग्रीड कि जब वो शकीरा से मिलने लग गया था ऑब्वियसली भैंचोद, तो पेप और उसका रिलेशनशिप ब्रोक डाउन काफी. 2012-2011 की बात है, तो ऐसे कुछ वक्त छोड़े जो भी है. तो पीके पेप लिटरली हायर्ड एक एजेंसी टू स्पाई ऑन पीके. एंड उसके बाद से जब वो पार्टी वार्टी करता नाइट लाइफ, तो पेप ने उसको 3-4 गेम बेंच कर दिया था. तो पीके की ये वक्त छोड़ी रही है डिसिप्लिन इश्यूज, लाइक दैट मच अमीर लौंडा है ना, प्ले बॉय स्टड है, समझ रहे हो. फर्क पड़ता नहीं भैंस, लाइक समझ रहे हो. आई थिंक उसके पास इको की डिग्री भी है, तो भैन तुमको पता हो कैसा आदमी है. तो दैट इज फेयर, मैं समझता हूँ. आगे हर किसी का टॉपसी टर्वी होता है, कोई भी नहीं है. आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग वेट और सॉरी एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक और इंटरेस्टिंग वे है टू जज एक सेंटर बैक, इसकी कितने रेड कार्ड येलो कार्ड निकाले. उस हराम जादे के पास 11 रेड कार्ड है, विच आई थिंक इज द सेकेंड और थर्ड मोस्ट बार्सा की हिस्ट्री में, मे बी द मोस्ट, आई डोंट नो, ऐसा कुछ बकचोदी. रामोस के 20 है, 26 ऐसे कुछ, तुमको पता है. तो उसके कंपेरिजन में तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक काफी लोग बोलते हैं कि जो इतना टैकल ना करे वो अच्छा डिफेंडर है. जितने तुम येलो कार्ड रेड कार्ड लेते हो तुम उतने गंदे डिफेंडर हो, वो सब बकचोदी. तो पीके, पता पीके ने बहुत गंदे गंदे गोल्स, ओन गोल्स, मीम मोमेंट भी काफी बनाए अगेंस्ट स्पेशली मैड्रिड. तुमको पता होगा बहुत इजिली बीट हो जाना क्योंकि इतना पेस ही नहीं है, वो सब बकचोदी. एंड ये प्रॉब्लम है, जितने लॉन्डे आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रीजन वाई पीके का डाउनफॉल हुआ, आई नो इट्स ऑल्सो बिकॉज की पीके खुद खराब है, बट जो लॉन्डे जोन डिफेंड करने में बहुत स्मार्ट होते हैं पहले से, दे रिलाय ऑन देयर टीम. मैन मार्किंग लॉन्डे लाइक यापस्टम, विडिच, रामोस, ये अभी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि दे कैन, क्योंकि अगर वन वन होंगे इनकी स्पेशलिटी है, दे क्रेव फॉर इट. पीके जैसे लॉन्डे रिलाय ऑन देयर टीम, वो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं टीम का कि तू यहां पर खड़ा होगा, अगर तूने प्रेस नहीं करा तो यानी कि मेरी गलती, यानी कि तेरी गलती है, मैं पिटूंगा तू, समझ रहे हो. कि अगर लाइक जावी ने कवर नहीं करा तो वो पिटेगा, तो जावी की गलती.
तो पीके हमेशा एक ऑर्केस्ट्रेटर था, वो कंट्रोल करता था। तो जैसे वो ऑर्केस्ट्रेटरी बार्सा से खत्म हो गई, जैसे बार्सा से टीम थोड़ी डिटीरियरेट हो गई, तो पीके की परफॉर्मेंस भी, एंड सेम फॉर बुस्केट्स। जो भी लौंडे जोन्स में अच्छा करते हैं दे रिलाय ऑन देयर टीम, एंड पीके तभी उसका डाउनफॉल हुआ। ऑब्वियसली इंडिविजुअली वो गिरा है, वो सब बकचोदी, विनीशियस उसका भूत बनाया, वो सब हरकतें, आई नो लौंडे ने काफी, बट भाई आई वोंट, आई थिंक बार्सा थ्रू एंड थ्रू था। लाइक अगर कोई बार्सा फर भाई दे वुड लव हिम, भाई बार्सा मैं बैट नहीं करा, अगर पीके मेरे क्लब से खेलता मैं उसको कुद की हद तक प्यार करता। आई नो उसने हगा रिसेंट गेम्स में, बट एज ऑफ हिस्ट्री लौंडा बार्सा थ्रू एंड थ्रू था, भड़वा था यार, भड़वा था, हरामी था, बहुत खून खोलाया हरामी ने। तो वो नाइस है, वो नाइस है, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट क्या जो पीके ने करा वो सही है? मेन क्वेश्चन ये, उसका मैंने आंसर भी था भाग बकचोदी कर चला गया। क्या पीके ने जो करा वो सही है? इज इट नाइस फॉर एक सेंटर बैक जो बार्सा थ्रू एंड थ्रू है एंड वो बार्सा छोड़ दे तो यंग लोग क्या देंगे? यंग लोग ये बोले कि भैंसू छोड़ के चला गया, कावड़ है, यंग लोग ये भौकेंगे। एंड आई थिंक इसमें यू कैंट से कोई, इसमें एक बैलेंस है, ये गलती तो है उसकी। आई थिंक यू कैंट, यू इफ यू लीव, उसका ऐसा डाउनफॉल इज नेवर राइट। इंटर वाली गेम के बाद बहुत गंदा, लाइक जो उसने जीता है और जैसे वो छोड़ रहा है, इट्स नॉट जस्टिफाइड डेफिनेटली। बट उस लौंडे ने खुद बोला था कि अगर मैं बेंच पे बैठूंगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं रिटायर कर जाऊंगा, इफ बार्सा नीड्स मी टू गो मैं छोड़ दूंगा, वो भाग चुका है। तो हर किसी को पता भी उस सेंस में, फेयर अंडरस्टैंडेबल है, इतना फर्क पड़ता नहीं। बट यू कैन एडमायर हिज़ करियर, आई एडमायर उसका करियर, मैं अपनी आई एडमायर, मुझे ऐसे डिफेंडर्स पसंद थे जो एनोमलीज थे, जो स्मार्ट थे, एंड वो लौंडा था भाई। पीके की एक गेम है, ये लास्ट स्टार्ट में भाग रहा हूं, व्हेन बार्सा डिफीटेड 6-2 मैड्रिड, पीके वन द बॉल 9 टाइम्स उस गेम में, 2008 की बात है, एंड कमिटेड 0 फाउल्स उसके प्राइम में। दैट सेज अ लॉट, दैट सेज अ लॉट। इसी बात पे चलते हैं दोस्तों, लाइटिंग की माचुदी पड़े बट कोई बात नहीं है, जाओ।